जरूर देखिएगा ठीक है पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक दे रखा है मेरी बुक का लिंक दे रखा है और पूरे प्लस कोर्स का लिंक भी दे रखा है फ्री क्लासेस अन अकेडमी की ऐप पर जो होती हैं उनका लिंक भी दे रखा है तो आप पूरे कोर्स में भी में मेरे एनरोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर अन अकेडमी की ठीक है जहाँ पे आपको ए टू जेड सारे के सारे यूनिट्स मिलेंगे कोड है मेरा सिमट एन डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है So, let's start. Hypothesis testing. मैंने आपको नल का जो जो है, है? वो last वाले lecture में clear किया था, ठीक तो आज हम hypothesis testing जो उसके टेस्ट होते हैं अलग अलग उनकी बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बता देती हूँ पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक बेसिकली हम चार ही टेस्ट की यहाँ पे बात करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका आ जाता है एफ टेस्ट टी टेस्ट और जेड टेस्ट नॉन पैरामीट्रिक में आपका आ जाता है काय स्केयर टेस्ट और भी होते हैं पैरा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काय स्केयर के अलावा भी वैसे बट हम यहाँ पे आज चार टेस्ट की बात करेंगे तो जो आपका पैरामीट्रिक टेस्ट होता है ना इस इसमें एजम्पन होती हैं बेसिकली इसमें एजम्पन होती हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बेस्ड ऑन स्पेसिफिक एजम्पन और वो स्पेसिफिक दैट इज रिलेटेड टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें कोई स्पेसिफिक एजम्प्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली नहीं होती है. इसमें हम सेंट्रल टेंडेंसी का मेयर जो है वो मीन यूज करते हैं नॉन पैरामीट्रिक में सेंट्रल टेंडेंसी का मेयर जो है वो मीडियन यूज होता है ठीक है सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसिस बिटवीन पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इसके अलावा एक और है अगर आपका रेशो एंड इंटरवल डाटा है रेशो वाला डाटा है या इंटरवल वाला डाटा है तो उसके लिए हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं अगर आपका डाटा ऑर्डिनल या नॉमिनल है ये चार स्केल्स आपने रिसर्च रिस्यूड में पढ़े होंगे पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड में चार स्केल्स स्के है ना तो आपका के केस में नॉन पैरामीट्रिक लगता है नॉन पैरामीट्रिक के कुछ और भी टाइप्स आपको यहाँ पे उनके नेम बता देती हूँ एक इसमें विलकोसन अब स्पेलिंग का थोड़ा यहाँ पे देख लेना विलकोसन साइन रैंक सम टेस्ट एक होता है क्रुस्कल वैली टेस्ट ये नाम बता रही हूँ बाई चांस अगर पूछ लिए जाए वैसे क्वेश्चन इन चारों के अलावा और टेस्ट में से आते नहीं है बाई चांस नाम पूछ लिए जाए कि इनमें से कौन सा नॉन पैरामीट्रिक है तो आप पता लग पाए आपको क्रुस्कल वैली टेस्ट ठीक है एंड uh, एक मान विटनी यू टेस्ट भी होता है मान विटनी यू टेस्ट ये आपके नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में आते हैं ठीक है चलो अब हम आ, पढ़ते हैं इन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जेड टेस्ट से तो इसके फीचर सारे पढ़ेंगे हम जैसे जेड टेस्ट जो है बेसिकली इसको हम लार्ज सैंपल टेस्ट भी बोलते हैं जब आपका सैंपल साइज तीस से ज्यादा है तो आप जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ठीक है और ये फिशर के द्वारा दिया गया किसके द्वारा फिशर के द्वारा दिया गया अब जेड टेस्ट किस किस केस में यूज होते हैं लेट सी टू टेस्ट वेदर टू मीन्स आर डिफरेंट आपके पास दो पॉपुलेशंस हैं उन दो पॉपुलेशंस के मीन डिफरेंट है कि नहीं है उसके लिए जेड टेस्ट यूज होता है हिपोथेसिस कैसे सेट होता है अगर डिफरेंस नहीं है नल हिपोथेसिस डिफरेंस है तो अल्टरनेटिव हिपोथेसिस इसके अलावा प्रपोशन एस्टिमेट करने के लिए भी हम जेड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं इसके अलावा Z टेस्ट का इस्तेमाल डिफरेंस ऑफ की में डिफरेंस है या नहीं है टू टेस्ट डिफरेंस इन इसके अलावा एस्टिमेट मीन यहाँ पे था ना uh, दो मीन्स का डिफरेंट और डिफरेंस और मीन को एस्टिमेट करने के लिए भी यानी कि प्रपोर्शन का एस्टिमेट डिफरेंस इन प्रपोर्शन मीन का एस्टिमेट डिफरेंस इन मीन चारों केसेस में आपका जेड टेस्ट का यूज होता है ठीक है और एक चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है जो याद रखिएगा जब भी जेड टेस्ट की बात आएगी ना तो इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है पॉपुलेशन का वेरियंस या यू कैन से पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नॉन होता है इस केस में टी टेस्ट के केस में नॉन नहीं होगा इसलिए ये जम्पन बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन का वेरिएंस या यू कैन से पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होता है और जो जेड टेस्ट है आपका ये प्योरली स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे होता है और इसका एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है नोट डाउन कर लो दिस इज बेसिकली एक्स बार यानी के सैंपल का मीन म्यू दैट इज पॉपुलेशन का मीन ये वाला जो सिग्मा है दिस इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ठीक है याद करो मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक इसी तरह का फार्मूला करवाया था वो कुछ ऐसे था फार्मूला उसमें हम एक्स ले रहे थे एक्स माइनस मीन ओवर सिग्मा आ, ये आपको स्टेटिस्टिक्स में करवाया था जो मैंने दूसरे चैनल पर स्टेटिस्टिक्स का कोर्स करवाया ना उसमें आपको एक दो फार्मूले यहाँ पे याद रखने एक फार्मूला ये वाला है दिस इज एक्स माइनस यहाँ पे एक्स है ठीक है

समझाया था और यह भी बताया था दो ही लेवल होते हैं या तो पाँच परसेंट है या तो एक परसेंट है ठीक है वन टेल्ड टेल्ड एंड टू तो ये वैल्यूज याद रखना एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है पाँच परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकस अगर आपका है टू टेल्ड टेस्ट के लिए जेड वैल्यू वन पॉइंट नाइनटी सिक्स बनती है और अगर एक परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकस है टू टेल्ड टेस्ट के लिए तो द वैल्यू इज टू पॉइंट फाइव एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वन टेल्ड टेस्ट के लिए वैल्यू इज 1.6745 एंड अगर 1% सिग्निफिकेंस लेवल 1% टेस्ट के लिए 2.33 ये 645 कर लो ठीक है अब एग्जाम में क्वेश्चन मान लो आपको पूछा गया कि बताइए कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है तो आपका टू टेल्ड टेस्ट पर जो Z वैल्यू है वो कितनी बनेगी ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए तो 95 फाइव कॉन्फिडेंस इंटरवल्स का मतलब आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पांच परसेंट है तो वैल्यू आएगी 1.96 इस तरह से घुमा के पूछ लिए जाते हैं तो इस वैल्यूज को इन वैल्यूज को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है आगे हम चलते हैं टी टेस्ट की तरफ टी टेस्ट जिसको हम स्मॉल सैंपल टेस्ट भी बोलते हैं ठीक है जब आपका सैंपल साइज मतलब एन जो है वो तीस से कम है तो आपका टी टेस्ट यूज होता है विलियम गॉसेट के द्वारा ये टेस्ट दिया गया है विलियम गॉसेट के द्वारा ये टेस्ट दिया गया है ठीक है अब इसके जो केस है ना वो जेड टेस्ट से उल्टे हैं जैसे जेड टेस्ट में हमने पढ़ा था ना आपको पॉपुलेशन वेरिएंस नोन होता है इसमें होता है अगर आपका पॉपुलेशन वेरिएंस या यू कैन से पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होना तो टी टेस्ट यूज होता है जो मैंने फार्मूला जेड का किया था वही सेम फार्मूला इसके केस में देखिए इसमें मैं क्या कर रही हूँ सैंपल का मीन एंड पॉपुलेशन का मीन उसमें डिफरेंस चेक कर रही हूँ ये फार्मूला किसका है इफ यू हैव टू चेक द डिफरेंस इन पॉपुलेशन सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन है ना उस केस का ये फार्मूला है और बेसिकली इसी फार्मूले से नोमेरिकल आएगा कोई बहुत और भी फार्मूले हैं बट दिस फार्मूला इज इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम इसी फार्मूले से नोमिकल आएगा अगर आएगा तो ठीक है so, सो ये वाला फार्मूला सेम टी टी टेस्ट में टी टेस्ट में में भी यूज होता है है बट इसका क्या फर्क पड़ता पे मैंने लिया था पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया टी टेस्ट में मुझे पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता तो टी टेस्ट में ये फार्मूला फिर क्या बन जाएगा यहाँ पे स्मॉल एस आ जाएगा स्मॉल एस इज बेसिकली सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन ये फर्क पड़ेगा समझ गए ठीक है और टी टेस्ट आपका सिग्निफिशंस uh, यूज कहां कहां पे होता है टू टेस्ट सिग्निफिश ऑफ़ रिग्रेशन रिग्रेशन कॉफिशियंट का सिग्निफिशंस फाइंड करने के लिए आपका टी टेस्ट यूज होता है इसके अलावा जो आपका जेड टेस्ट यूज होता था ना मीन को एस्टिमेट करने के लिए प्रपोशन के लिए यूज नहीं होता याद रखिएगा टी टेस्ट या डिफरेंस इन मीन के लिए यहां पे पढ़ा था जेड टेस्ट में एस्टिमेट मीन डिफरेंस इन मीन इन दोनों के लिए टी टेस्ट बट प्रपोर्शन के लिए सिर्फ जेड टेस्ट यूज होगा प्रपोर्शन के लिए आपका टी टेस्ट नहीं यूज होता मीन एंड डिफरेंस इन मीन के लिए जरूर होता है और यहाँ पे डिफरेंस इन मीन ना टी टेस्ट में हम दो तरह के अलग अलग सैंपल्स का देख सकते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल्स एंड डिपेंडेंट सैंपल्स जैसे अगर मैं कहूँ मार्क्स बिफोर कोचिंग एंड मार्क्स आफ्टर कोचिंग डिपेंडेंट सैंपल्स है paired observations है उस केस में भी मीन का डिफरेंस देखना और जो वैल्यूज एक्स एंड वाई की बिल्कुल आपस में रिलेट ही नहीं करती उस केस में भी डिफरेंस इन मीन्स देखना दोनों केस में डिफरेंस इन मीन्स के लिए आपका टी टेस्ट यूज हो सकता है टी टेस्ट में बेसिक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी एन माइनस वन रहती है ठीक है जी आगे आता है आपका एफ टेस्ट दट इज वेरियंस रेशियो टेस्ट एफ टेस्ट रेशो भी इसको बोलते हैं और ये भी फिशर ने दिया इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो तो आंखें बंद करके भी कोई मतलब याद कर लो इसको बस नींद में भी हो गए ना अगर आप कोई ये प्रॉपर्टी आपको एफ टेस्ट की पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए ठीक है क्योंकि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट ओवरऑल ऑफ़ ऑफ़ रिग्रेशन, रिग्रेशन। ओवरऑल एग्जाम में ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है ओवरऑल सिग्निफिक ऑफ रिग्रेशन को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगता है दिस इज एफ टेस्ट ठीक है इसके अलावा पॉपुलेशन वेरियंट के लिए एफ टेस्ट होता है नाम नाम इसका variance ratio test नाम से पता लग रहा है variance के लिए तो यूज होगा हो है ना इसके अलावा एडजस्टेड कोफिशियंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन अब मैंने आपको रिग्रेशन एंड को रिलेशन स्टैट्स वाले कोर्स में करवाया जो दूसरे चैनल पर मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको कोफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था दैट इज़ आर स्केयर एडजस्टेड कोफिशियन ऑफ डिटर्मिनेशन होता है आर डैश स्केयर जिस आर स्केयर को अगर मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से एडजस्ट कर दूँ तो वो आर डैश स्केयर बन जाता है बेसिक सी डेफिनेशन वो देखिएगा उस वाले कोर रिलेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको आर स्केर का मीनिंग समझाया डिटेल में समझाया हुआ है ठीक है कितने परसेंट वेरिएशन मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में एक्सप्लेन की जा रही है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा दैट इज में मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐड कर दू तो वो आर डैश स्केयर बन जाता है एडजस्टेड कोफिशंट ऑफ डरिनेशन ठीक है इसके बाद आपका आता है काइस्केर टेस्ट जैसे मैंने बता दिया टेस्ट आपका नॉन पैरामीट्रिक में आता है दिया किसके द्वारा गया है कार्लसन इसमें कुछ फीचर्स हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं जैसे कि टू टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट गुडनेस ऑफ फिट गुडनेस ऑफ फिट हम आर स्केयर को ही बोलते हैं ठीक है उसके लिए भी काइस्कियर टेस्ट यूज होता है एंड टू टेस्ट एसोसिएशन बिटवीन एट्रीब्यूट्स एसोसिएशन यानी कि रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स में एसोसिएशन टेस्ट करने के लिए भी हम काइस्र टेस्ट का यूज करते हैं इसके अलावा काइस्केर टेस्ट में ना एक कंटिजेंसी टेबल गिवन होता है वो तो जब हम क्राइस्केयर के आपको सम नहीं आते आतेर के एग्जाम में ठीक तो है क्योंकि सम समेत लेंथ ही होते हैं एग्जाम में थोड़ी ना पूछ लेंगे मैचिंग में पूछ लेते हैं कंटिजेंसी टेबल आ जाए किससे मैच करोगे काइस्केयर टेस्ट से मैच करोगे काइस्केयर टेस्ट हम एक कंटिजेंसी टेबल होता है जिसमें हमारी जिससे हम एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं बेसिकली एक फार्मूला होता है काइस्केयर का दैट इज सिग्मा ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्केयर कुछ याद है ऐसा करके एक फार्मूला होता है आपने कभी ना कभी मास्टर्स में पढ़ा होगा बट यू डोंट रिक्वायर टू रिमेंबर दैट फार्मूला क्योंकि ये फार्मूला वाला जो क्वेश्चन होता है ना बहुत लंबा होता है आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ठीक है इतने लंबे क्वेश्चंस नहीं आते बस इतना याद रख लेना कि कंटिजेंसी टेबल एक दिया होता है आपको वो उसमें जब कंटिजेंसी टेबल दिया होता है तो हम कौन सा टेस्ट यूज करते हैं हम का स्केर टेस्ट यूज करते हैं कंटिजेंसी टेबल अगर आपको दिया हो तो ठीक है तो दैट्स वाई कंटिजेंसी टेबल आ जाए तो उसको काइस के टेस्ट से आपको मैच करना है ठीक है चलो मैं इसका एक आपको बेसिक सा सम करवा देती हूँ सम ये वैसे मेरी बुक के पेज नंबर वन फोर्टी पर ये एग्जांपल दी हुई है यू कैन डू इट सेल्फ मेरी बुक सबके पास आई थिंक है पेज नंबर वन फोर्टी पर ये देखिए द एग्जाम्पल इज गिवन इन माई बुक पेज नंबर ये सेम एग्जाम्पल एक जरूर करके जाना अगर आपको ही से कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है तो इसी तरह का आ सकता है इससे अलावा मतलब कोई क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर मेथड के अलावा अलावासिस से नहीं बनता या फिर इससे बनता है ये जो मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला करवाया था इससे बन सकता है या फिर ये फार्मूले वाला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है इससे इन दोनों फार्मूले ये दो ही करवाए हैं आपको ये दो फार्मूले आपको हिपोथिस में याद रखने हैं ठीक है तो इस लेक्चर को मैं खत्म कर रही हूं अगली क्लास में हम लॉजिट प्रॉबिट एंड टॉबिट मॉडल करेंगे ठीक है फाइन ओके लाइक शेयर जरूर करिएगा थैंक यू